Guys, welcome back to your channel She Style Shop. कैसे हो आप सब? तो in today's video, I am going to share with you my current CTM routine. And इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CTM क्या होता है, CTM के benefits क्या होते हैं, क्यों हमें CTM करना चाहिए and अलग अलग skin के हिसाब से हमें कौन कौन से product अपने CTM के लिए choose करने चाहिए. जब आप makeup के videos देखते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या आप कोई भी स्किन केयर के वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर लेती हूँ. लेकिन परचेज करने के बाद क्या होता है, आप जब उसे यूज करते हैं ना तब आपको लगता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट मेरी स्किन के हिसाब से सही नहीं है. तो वो इसीलिए होता है कि आप सिर्फ वीडियो देख के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं बट उस चीज को समझ नहीं रहे कि क्या वो आपकी स्किन के लिए सही है या नहीं. तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट चूज करके आप सही CTM कर सकते हैं. एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन बिगनर गाइड सीरीज. यस, मैंने एक बिगनर गाइड सीरीज स्टार्ट की है और ये उसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं बहुत ही बेसिक वीडियोस लेके आऊंगी, लाइक बिल्कुल बिगनर्स के लिए जो बिल्कुल प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रखते, जिन्हें मेकअप का बारे में नहीं पता, तो मैं मेकअप से रिलेटेड एंड स्किन केयर से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेके आऊंगी. तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल बटन पे हिट कर दिया है, सो दैट आने वाली कोई भी यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज CTM, CTM होता क्या है. तो CTM के 3 स्टेप होते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. ये तीनों स्टेप्स को आपको अपने डेली स्किन रूटीन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए. इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे एंड अगर आप मेकअप करने वाले हो या किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हो तो आपको जरूर ये CTM फॉलो करना चाहिए मेकअप करने से पहले. इससे आपका मेकअप और ज्यादा फ्लॉलेस लगता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ CTM, CTM के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों हम CTM करें. सो जैसे मैंने बताया CTM के 3 स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले बात आती है क्लींजिंग की. सो जब आप क्लींजिंग करते हैं तो उससे आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज, डर्ट, टॉक्सिन्स, पॉल्यूशन ये सब निकल जाता है एंड आपकी स्किन जो है वो बहुत ही रिफ्रेश फील करती है. सेकेंड स्टेप होता है टोनिंग. टोनिंग कंडीशंस योर स्किन एंड टाइटन योर ओपन पोर्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन योर स्किन पीएच बैलेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं या रोम छिद्र आप कह सकते हो, उन्हें टाइटन कर देता है यानी कि मिनिमाइज कर देता है, जिससे कि आपके जो भी डर्ट, धूल मिट्टी वगैरह है वो आपके स्किन में अंदर तक ना जाए. आपके स्किन को के जो आपके स्किन का जो पीएच बैलेंस होता है उसे मेंटेन करता है टोनर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CTM का. CTM का थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग. तो मॉइस्चराइजिंग जो है वो आपके स्किन को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपके स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करता है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CTM. सो इफ यू फॉलो दिस रूटीन रेगुलरली यू कैन अचीव अ वेरी हेल्दी एंड सपल स्किन. बहुत ही अच्छी स्किन आपकी हो जाएगी अगर आप ये CTM रूटीन फॉलो करेंगे. तो ये तो हुआ CTM के, CTM होता क्या है एंड CTM के बेनिफिट्स क्या होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें CTM कब करना चाहिए, मतलब कितनी बार करना चाहिए. तो हमें दिन में 2 बार CTM जरूर करना है, एक तो मॉर्निंग में एंड एक नाइट में. बट अगर आपके पास मॉर्निंग में बहुत रश होता है, आपके पास बिल्कुल 5 मिनट्स भी नहीं है कि आप इस CTM रूटीन को फॉलो कर पाएं, तो आप रात को इस रूटीन को जरूर फॉलो करिए. क्योंकि जब आप रात में अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करके सोओगे ना तो मॉर्निंग में आपको बिल्कुल भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड गाइज अगर आप इस CTM रूटीन को 1 महीना भी फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइज आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ही सफल हो जाएगी. तो ये तो हुआ व्हाट इज CTM, CTM के बेनिफिट्स हो गए, CTM कब करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स. हमें अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट चूज करने चाहिए CTM के लिए. तो अभी मैं आपको अपना CTM करके दिखाती हूँ एंड उसी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट चूज कर सकते हो और किस तरह से आपको प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प होगी. एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, अगर आप उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको अपना CTM करके दिखाती हूँ. सो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे अपना CTM. बट CTM करने से पहले हमें अपने मेकअप को रिमूव करना होता है, तो मैं कोकोनट ऑयल को अपने लिप्स पे थोड़ा सा रब करूंगी एंड कॉटन पैड की हेल्प से इसे रिमूव कर लूंगी. विंटर्स के लिए ये कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छे मेकअप रिमूवर का काम करता है, आप पूरे फेस का मेकअप इससे रिमूव कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ CTM यानी कि क्लींजिंग. अब हम करेंगे क्लींजिंग. उसके लिए मैं 2 फेस वॉश यूज करती हूँ, एक है निविया का फेस वॉश एंड दूसरा है पॉन्ड्स का फेस वॉश.
विंटर्स अभी चल रहे हैं तो मिल्क बेस्ड फेस वॉश हमें यूज करने चाहिए जो कि हमारे स्किन को ड्राई नहीं करते। तो निविया का फेस वॉश बहुत बेस्ट लगता है मुझे एंड पॉन्ड्स का मैं ऑलरेडी बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए हैं दोनों ही फेस वॉश। तो पॉन्ड्स के फेस वॉश से अब मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी एंड ये हमारा क्लिंजिंग का स्टेप कम्प्लीट हो गया। अब बात आती है सेकेंड स्टेप की जो कि है टोनिंग। तो टोनिंग के लिए मेरे पास दो फेस वॉश हैं। ये है बायोटिक का बायो कुकम्बर फेस वॉश, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है तो सभी स्किन टाइप्स के लोग इसे यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा है डाबर का गुलाबरी रोज वाटर, ये तो हम सालों सालों से यूज करते आ रहे हैं सभी लोग। हमारे मम्मी भी इस रोज वाटर को यूज करती होंगी टोनिंग करने के लिए, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप काया का पोर मिनिमाइजिंग टोनर भी यूज़ कर सकते हो एंड मार्केट में और भी पोर मिनिमाइजिंग टोनर अवेलेबल हैं तो आप वो ले सकते हैं। एंड अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ये बायोटीक का बायो कुकम्बर यूज़ कीजिए, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। एंड टोनर चूज़ करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि अल्कोहल फ्री टोनर होना चाहिए। तो इसे बस आप दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड अब आप इसे थोड़ा सा अपने हाथों में ले लीजिए एंड डैप डैप करके अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। मैं कॉटन पैड से नहीं लगाती क्योंकि कॉटन में ही सारा सोख लेता है, तो इसीलिए मैं हाथ में ले लेती हूँ और इस तरह से डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लेती हूँ। इससे जो हमारे पोर्स हैं वो टाइटन होते हैं एंड हमारी स्किन को बहुत ही रिफ्रेश फील करती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये टोनर हमारा सेकेंड स्टेप कम्प्लीट हो गया टोनिंग का। एंड अब इसको आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, सारे स्टेप एक साथ नहीं करने हैं, 2-2 मिनट का गैप आप रखिए या 3-3 मिनट का गैप रखिए। जब ये अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्व हो जाए तब आप अपना नेक्स्ट स्टेप पे आइए। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि है मॉइस्चराइजिंग। उसके लिए अभी विंटर है तो मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स की ये क्रीम एंड दूसरा मैं यूज़ करती हूँ हिमालय का बेबी लोशन। पहले मैं एक दूसरा लोशन यूज़ किया करती थी जो कि जॉनसन बेबी का आता था, बट अब मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। ये दोनों ही ऑल स्किन टाइप्स के लिए हैं तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो भी। अब मैं आप तीसरी चीज़ में जो यहाँ पे यूज़ करती हूँ वो है कोकोनट ऑयल। अगर आपकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट होगा। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है एंड आपको अपने फेस पे इस तरह से मसाज कर लेनी है इस कोकोनट ऑयल से। आप क्रीम भी लगा सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना तो आप इसे लगाइए, ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। पूरे विंटर्स मैं ओनली कोकोनट ऑयल ही अपने फेस पे लगाती हूँ क्योंकि मेरी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। इस मतलब फेस के साथ साथ आपको अपने लिप्स की भी केयर बहुत करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं हिमालय की लिप बाम लगाई है एंड यस मेरा CTM बिल्कुल कम्प्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल है ना। सो गाइस That's all about CTM. I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। You can also follow me on Instagram. My Instagram handle is shestyleshop1 and link मैंने description box में दे दिया है। And subscribe कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे beginner friendly videos देखने के लिए। Thank you for watching. Bye.